तो जैसे गियर में बंद हो जाती है, वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन बता रहा हूँ, गियर में या रेड लाइट पे बंद हो जाती है, तो सबसे बढ़िया सिस्टम है ना सेल्फ ना कुछ। खाना कितना बिगाड़े होंगे लोग, और होटल वाला भी 2 की 4 जोड़ रहा होगा, जोड़ने बोला होने वाला। तो भैया को बहुत शौक, ड्राइवर गाड़ी निकालो। ठीक है गाइस, हम चलते बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हो, स्वागत है एक और नए व्लॉग, एक और नई वीडियो में। तो भाई आज का व्लॉग इंटरेस्ट होने वाला है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ सोडाला 22 गोदाम की तरफ घूमने, तो कुछ सामान है वो दे के आना है और घूम के भी आना है भाई, काफ़ी दिन हो गए उधर। तो बाकी मम्मी लगी बढ़िया आराम से मौसी से, मम्मी मौसी वाला किस्सा कभी ख़त्म ही नहीं होगा। तो उससे पहले भाई पी लेते हैं नारियल पानी, मम्मी को देते हैं, मम्मी की तबीयत ख़राब है और मेरी भी सुबह से जी सा घबरा रहा है, और हेलीकॉप्टर आ रहा है तो एक बार हेलीकॉप्टर का शॉट ले लेता हूँ। सॉरी वो हेलीकॉप्टर नहीं, वो एरोप्लेन था, तो एरोप्लेन का था क्या ही लेना भाई, हेलीकॉप्टर है बेस्ट। हेलीकॉप्टर में भी आर्मी के हेलीकॉप्टर, ना कि प्राइवेट। तो नारियल पानी पी लेते हैं भाई और नहाते धोते हैं आराम से। बेटा आज नहीं मिलेगी तुझे बॉल, नारियल पानी खाएं। तू पिएगी क्या? हाँ क्या है मम्मी, नारियल पानी वाला तो खा दीजिए। ऐसा कुत्ता देखा है नारियल पानी का, ये खा रहा है, बताओ नारियल कोई खाने लग गया है, खराब है ये भाई। भैंस बकरी पाली है क्या हमने, ये कुत्ता तो नहीं लगता, कुछ भी खा जाता है। हाँ ये देखो, ये लो भाई हेलीकॉप्टर का नाम दे रहा था, हेलीकॉप्टर ही आ गया। एक तो हमारे तारों का शहर इतना बड़ा खड़ा है यहाँ पे सामने, पूरा अपार्टमेंट खड़ा कर रखा है, कुछ देख ही नहीं पाते हैं इसकी वजह से, ये ऐसा फ्लैट खड़ा कर रखा है तारों की तार। मुझे लग रहा है पूरे जयपुर में यही सबसे ज़्यादा तार हैं। मैं इसकी टांगन की बहन की आँख मारूँ, ये पता नहीं कितने लगा दिए यहाँ पे, लाइट आ रही है 4 घरों में, लगा दिए 100 तार। नहा लेता हूँ पानी, गर्म हो गया और ठंडा है, अभी भी गर्म पानी से नहाना पड़ रहा है भाई, बात टल गई तो जैसे तैसे छोड़ेंगे, कोई बात नहीं है। तो भाई खाना खा लिया है और अब निकालते हैं बाइक, ये देखना क्या किया है इसने, ये इधर रख दिया था मम्मी ने, और ये पड़ा है ना इस कील को निकालने के चक्कर में, पूरा इससे नीचे कर दिया भाई इसने। तो अब निकालता हूँ बाइक को और चलता हूँ, कुछ सामान लेके आना है, फिर उसको दे के आऊँगा मैं, तो निकाल लेता हूँ। और भाई सामने ये बिल्डिंग देख रहे हो, यही है जो जयपुर जाम हुआ था ना, अभी एलविश यादव आया था, उससे पहले आया था लास्ट टाइम, सेकंड लास्ट टाइम आया था। तो भाई इस पुलिया से उतरा था वो, और भाई इतना तगड़ा जाम लगा था, इतना तगड़ा जाम लगा था, ये वाली बिल्डिंग है भाई, अगर नहीं देखी हो तो डाल के देख लेना, एलविश यादव जयपुर मीटअप वाली। तो काफ़ी नीचे काफ़ी अच्छी ब्रांड है यहाँ पे, बाकी ये बिल्डिंग थी भाई, और इस पुलिया से उतर के आया था वो। ये है जयपुर का सोडाला 22 गोदाम वाला एरिया बोलते हैं ना, वो है ये, और आगे ये बिल्डिंग देख रहे हो ये वाली, ये चौकी डांडी है। भाई खा लेते हैं बतासी मांस पानी वाली, तो आपके वहाँ पे भी मिलती हो तो बताना कमेंट करके। तो गाइज आज हमने खुला छोड़ रखा है चार्ली को, बांधा नहीं है सुबह से, तो भाई ये ठीक है, पानी भी भर के रख रखा है, प्यास लगे तब पानी पी ले, मस्त सो रही है आराम से छाया हूँ बाहर मम्मी के पास में, वो अंदर घुटन सी होने लग गई, इसको बांधे रखते हैं ना, अब बेचारी बोल तो सकती नहीं है कि हुई कि बाहर निकलना ही क्या है, मस्त सो रही है देखो। हाँ जी, तो अभी चल रहे हैं खाना खाने होटल में, दीदी दे रही हैं पार्टी, तो दीदी की तरफ से पार्टी करते हैं भाई, और बाइक की चाबी ले ली।
तो भाई चश्मों की ऐसी आदत पड़ गई है दो तीन दिन में कि अगर उतार देता हूँ ना सर भारी सा सर दर्द होने लग जाता है। अब इनकी आदत इतनी पड़ गई है कि उतार नहीं सकता। तो बाकी अब सोच रहा हूँ क्या क्या खाऊँ खाने में। मेरा तो एक फिक्स है, शादी में जाऊँ या होटल में जाऊँ, मैं खाता हूँ दाल रोटी, उसके अलावा मैं तो कुछ खाता नहीं हूँ भाई। तो चलते हैं देखते हैं। बाकी वहाँ का मेन्यू डिपेंड करता है, मेन्यू अच्छी हुई होटल का काफ़ी अच्छा खाना आता है, शादियों में इतना बेस्ट मिलता नहीं है, तो मेन्यू के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे ज़्यादातर हम होटल में जाता बटर मसाला पनीर खाते हैं और तंदूरी रोटी तो शायद ही लेते हैं, बटर नान लेते हैं और तवा रोटी ले लेते हैं। तो वो भी चलते हैं। ठीक है, ओके। बीजेपी सरकार को भाई हम सपोर्ट करते हैं, तो इसको नहीं हटाएंगे, कोशिश करेंगे कि ऐसे ठीक और हो जाए। ये देखो फूल की सरकार है। तो अब तो निकलते हैं, दीदी और भैया का वेट कर रहे हैं और मैं जा रहा हूँ स्प्लेंडर से, क्योंकि फिर वहीं से रोहित भैया को लेने निकल जाऊँगा। अब वापस इतनी पेट्रोल जलाऊँ और टाइम भी ऑलरेडी 8:14 हो चुके हैं, तो 9:15 मुझे जाना होता है। तो चलते हैं भाई। तो भाई 100 ले लेता हूँ मैं, ठंड पड़ रही है। और भाई इतनी ठंड नहीं है। इतनी ठंड भी नहीं है कि टोपा पहनना पड़े, लेकिन इतनी ठंड है कि 100 ओढ़नी पड़े। तो भाई 100 ले लिया और अंकित भैया बुला रहे हैं। और भाई i3s का हीरो ने सबसे बढ़िया सिस्टम ये दे रखा है कि देखो अभी ये बटन मैंने ऑन कर रखी है, तो जैसे गियर में बंद हो जाती है, वैसे तो आपको पता ही होगा लेकिन बता रहा हूँ, गियर में या रेड लाइट पे बंद हो जाती है, तो सबसे बढ़िया सिस्टम है, ना सेल्फ ना कुछ, क्लच दबाओ हो गई स्टार्ट, ये सबसे बढ़िया चीज़ लगती है। गाइस पहुँच गए होटल, ये देखो ये वीडियो चालू हुई और अपना पिछवाड़ा सही करते थे। कुछ ऐसा है ये होटल, ऊपर चलते हैं हम तो ऊपर ही खाते हैं, ऊपर ही सोते हैं। तो भाई आ गया अपना खाना, जीरा राइस, ठीक है, नान, बटर नान और दाल रायता शाही पनीर। और ये पार्टी दे रही है हमारी दीदी, होस्ट कर रही है। तो हाँ सॉरी, पनीर बटर मसाला है। ये आदमी तो मेरे ब्लॉग की बेइज्जती करते हैं। चलो खाना खाते हैं। भाई ये भरी हुई थाली दिख रही है, ये बस व्लॉग बनाने के लिए भरी है। रील और रियल लाइफ में बहुत अंतर है, ऐसे खाई नहीं जाती। चलो खाना खा लेते हैं। गाइस पीछे देख रहे हो, लड़के नहीं, इनके पीछे जो बैलून लग रहे हैं, बर्थडे पार्टी हॉल है, तो मैं बाहर जाके इनकी कहानी बताऊंगा, अभी कॉपीराइट आ जाएगा, गाना चल रहा है। तो भाई खाना खा लिया है और हमको मिला है गिफ्ट में कि अगले गुब्बारा। तो भाई ऊपर वाली बात बता रहा था मैं, दीदी को साथ में लेके खड़ा हूँ, तो भी आप बताओ कि ऊपर जो इस पार्टी को उसको भी इतना दर्द नहीं हो रहा होगा, इतना हमें दर्द हो रहा है कि ये खाना कितना बिगाड़े होंगे लोग, और होटल वाला भी 2-4 जोड़ रहा होगा, ड्राइवर गाड़ी निकालो। ठीक है गाइस हम चलते हैं, मैं रोहित भैया को लेने निकलता हूँ। तो भाई अभी आ गया हूँ रोहित भैया को लेने और घर चल के अभी सेलिब्रेट करेंगे। जीजा जी ने केक ऑर्डर किया था दीदी के लिए वैलेंटाइन डे का, तो केक कट करते हैं। हाँ तो वो दोपहर का गया था लेकिन अभी कट नहीं किया है क्योंकि रोहित भैया भी नहीं थे घर पे और मैं भी सो रहा था दिन में। रखी है क्या भाई, तो रोहित भैया भी नहीं थे और मैं भी सो गया था दिन में, तो कट करेंगे केक को, तो सीधा वहीं चलेंगे, फिर लॉक लग जाता है उनके गेट का। तो हैप्पी वैलेंटाइन डे सभी को। भाई गाड़ियों की सबसे घटिया चीज़ लगती है, देखो गाड़ी कितनी बढ़िया ले रखी है एस क्रॉस, ये क्या है, बैग गियर डालती पी 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 पी, क्या है ये भाई, 800 और अल्टो में आती थी पहले ऐसे, ये देखो लोग पता नहीं कैसे लगवा लेते यार। आजकल तो अल्टो आ रही है ना नई वाली K10 और वो, तो उसमें भी नहीं आती ये चीज़, बंद कर दी भाई, बड़ी घटिया लगती है गाड़ी इससे।